जिस तरह फेस वॉश हमारे मतलब स्किन को क्लीन करता है, फेस को क्लीन करता है, क्या इंजन में डालने के बाद क्या ये इंजन को क्लीन करेगा, जिसके लिए आज ये वीडियो को बनाते हैं और देखते हैं कि क्या इसका रिजल्ट रहता है, क्या इंजन अंदर से क्लीन होगा। ठीक है, हिमालयन का फेस वॉश हो गया ख़त्म। अब गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं, स्टार्ट करने के बाद राउंड ले लेते हैं और देखते हैं कि क्या रहता है, रिजल्ट क्या निकलता है। तो आप करते हैं गाड़ी को स्टार्ट और देखते हैं। इसी तरह 10 से 15 मिनट तक का गाड़ी को स्टार्ट रहने देना है और उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है रिजल्ट सबसे पहले। तो अब कम से कम 10 मिनट हो चुके हैं, 10 मिनट के बाद अब सबसे पहले हम खोलते हैं इसका ऑयल फिल्टर। ऑयल फिल्टर खोलने के बाद देखते हैं कि ऑयल की कंडीशन क्या हुई है, क्या कुछ चेंज आया है उसके अंदर। तो सबसे पहले इसका ऑयल फिल्टर खोल लेते हैं। ऑयल फिल्टर खोलने के बाद देखते हैं ऑयल फिल्टर की कंडीशन क्या हुई है, क्योंकि सबसे पहले हमारी गाड़ी के अंदर ऑयल फिल्टर के अंदर ही ऑयल फिल्टर होता है। तो जिसके लिए सबसे पहले 3 बोल्ट खोल लें 8 नंबर के और ये हमारा ऑयल फिल्टर बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप कंडीशन देख सकते हैं, नॉर्मल ऑयल हमारा जो रहता है ब्लैक कलर में दिखेगा, पर यहाँ आपको एक भूरा बन गया, भूरा ना ब्राउन कलर हो चुका है। ये ऑयल की हमारी कंडीशन अभी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह हो चुकी है और ये हमारा ऑयल फिल्टर। ठीक है, अब इसका खोल देते हैं हम RH कवर। ये कवर को पूरा खोलते हैं, इसके बाद अंदर देखते हैं अंदर क्या है कंडीशन। तो अभी खोल दिया हमने सारे नट बोल्ट और अब देखते हैं कि इसके अंदर रिजल्ट कैसा निकलता है, जो इंजन के ऑयल की कंडीशन है उसकी क्या कंडीशन हो चुकी है। ठीक है, आप देख सकते हैं नीचे ये हमारे ऑयल की कंडीशन। ठीक है, और अभी मैं बताता हूँ ये ऐसा जो कलर ब्राउन कलर हुआ है वो किस कारण हुआ है। दोस्तों दरअसल मैं आपको बता दूँ, ये जो ऑयल की कंडीशन हो रखी है ये कोई जेल डालने से नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये आप अपने दिमाग से निकाल दें कि जेल डाल के तूने इंजन की मावे नहीं कर दी। मुझे पता है आप लोगों का माइंड यही काम कर रहा होगा। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ, पहले इंजन ऑयल सारा निकाल लेते हैं। अभी इंजन ऑयल अंदर रह चुका है, पहले पूरा ऑयल निकालता हूँ दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा विस्तार से कि एक्चुअल में इंजन ऑयल में क्या हुआ है ऐसा। तो ये हमारे ऑयल की कंडीशन हो चुकी है, यहाँ आप देख सकते हैं इसके अंदर। अभी मैं एक कवर निकाल के दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या कंडीशन है। ये देखिए कंडीशन, तो ये देखिए हमारा जो दिख रही गाद, या आप इसे हिम क्रीम कह सकते हैं, ये हिम क्रीम का भी काम करेगी। अभी मैं आपको आगे वाला भी दिखाता हूँ, ये रहा इसके आगे वाला। ये है हिम क्रीम और ये बहुत काम आती है। ठीक है, अभी मैं देखते हैं हम बात करेंगे ये सब हुआ कैसे, मेन है ये सब चीज़ें कैसे हुई, क्या एक फेस वॉश डालने की वजह से हुआ, नहीं, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो अभी तक आपने देखा कि कैसे हमारी गाड़ी में इस टाइप की क्रीम जम चुकी है और ये देखिए पानी भी है, और मैंने तो इसके अंदर जेल डाला था, तो ये पानी जेल से तो बन नहीं सकता। इसके पीछे क्या, इसके पीछे जो रीज़न है, इंजन के अंदर अगर हमारा पानी मिक्स हो जाता है तो ये कंडीशन होती है। मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, नए इंजन ऑयल पे अगर हम पानी मिक्स करते हैं फिर ये कंडीशन होती है, और सिर्फ जो मैंने जेल डाला था वो सिर्फ आपको एक दिखाने के लिए, एग्जांपल के लिए कि आखिर हम अपने इंजन ऑयल में कोई चीज़ मिक्स करते हैं तो क्या कंडीशन होती है। ठीक है, तो आप ये ना सोचें कि मैंने जेल डाला तब इंजन की रेल लगी है। दोनों कवर की कंडीशन देख सकते हैं और ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इंजन के अंदर पानी जाने का दो जगह होती है, पहला यहाँ पर हमारी एक वायर होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो वायर कहाँ पर होती है। ये हमारा RH कवर होता है, ये वायर अगर हमारी कोई खींच देता है या अंदर को खसक जाती है तो यहाँ से पानी हमारा डायरेक्ट
इंजन के अंदर जाता है, कोई शरारत कर सकता है, यहाँ से डाल सकता है, या फिर ये वीदर पाइप होता है यहाँ पे लगा होता है, देखिए इस जगह पे, तो यहाँ पर कोई शरारत कर सकता है या यहाँ पर पाइप कट जाता है, इस जगह से ये पाइप कट जाता है, उसकी वजह से इंजन में पानी जाता है, जिसके बाद ये कंडीशन होती है और ये ऑयल हमारा पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। ठीक है, तो एक बार मैं पूरा इंजन की अच्छे से क्लीन सफाई करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि बिफोर और आफ्टर, अभी कंडीशन क्या हो रखी है और अच्छे से पूरी सफाई कर लेते हैं, उसके बाद कंडीशन क्या है। तो अब कंडीशन आप देख सकते हैं, बिल्कुल खोल के अच्छे से धो के सफाई हो चुकी है। अब मैं दिखाता हूँ इंजन की कंडीशन, इंजन के भी सारे पार्ट देखिए बिल्कुल क्लीन कर दिया गया है। इसको मैंने पहले डीजल से धोया, फिर पेट्रोल से धोया, हवा मार के बिल्कुल क्लीन कर दिया गया है, नीचे भी और यहाँ ऊपर भी। सफाई अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है, अगर थोड़ा सा भी रह गया वाइट या ब्राउन कलर का ऑयल तो ये दोबारा हमारा तेल ख़राब कर देगा। तो मैंने अपना पूरा 100% दे दिया है। अब इस सारे सामान को फिट कर लेते हैं और बताते हैं कि इंजन ऑयल मैं कौन सा यूज़ करने वाला हूँ। मैं फ़िलहाल इस गाड़ी के अंदर यूज़ करता हूँ इंजन ऑयल, तो यहाँ पर मैं कैस्ट्रोल क्रूज़ यूज़ करता हूँ। क्रूज़ ऑयल मतलब ऑन द वे पिकअप चाहिए तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है, और जो कंपनी रिकमेंडेड करती है ग्रेट 15W50-40, मतलब 4-stroke इंजन के लिए हैं। ठीक है, और ये हमारा बाइक के लिए है, ना कि स्कूटी के लिए, क्योंकि हमारा इंजन ऑयल दो तरीके के होता है, एक स्कूटी इंजन ऑयल होता है और एक हमारा होता है बाइक इंजन ऑयल, मोटरसाइकिल इंजन ऑयल, क्योंकि इसके अंदर घर्षण ज़्यादा होता है इसलिए। तो ये हमारा इंजन ऑयल है कैस्ट्रोल क्रूज़, या आप चाहो तो ऑनलाइन खरीद सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और बाकी आप फिट कर लेते हैं, देखते हैं इंजन ऑयल, स्टार्ट करते हैं गाड़ी को कंप्लीट करने का, और देखते हैं कि इंजन ऑयल काम कैसा करता है और इंजन में कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अभी अच्छे से और फाइनली सफाई सारी हो चुकी है और इंजन ऑयल डाल दिया है। अब मैं दिखाता हूँ जब गाड़ी स्टार्ट करेंगे हमारा नया इंजन ऑयल कैसे आएगा। तो देख चुके हैं आप, जो नया इंजन ऑयल है बिल्कुल क्लीन आ रहा है। ठीक है, तो मेक श्योर आपको पता चल गया है इंजन के अंदर अगर पानी जाता है या कुछ भी जाता है तो इंजन ऑयल की क्या कंडीशन होती है। ठीक है, और अगर कोई भी आपका सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपका आंसर दूंगा। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।